हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। आज हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं मैटर की। तो एक परफेक्ट डेफिनेशन मैटर की ये है कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हम सिर्फ उन चीज़ों को बोलेंगे जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है एंड हैज मास। जिस भी चीज में हम देखेंगे कि वो रखने पर ऑक्यूपाई कर ले रही है कुछ स्पेस और उसका कुछ मास भी है, तो हम उस चीज को क्या कंसीडर करेंगे कि वो मैटर है, और जिसे हम खुद परसीव कर सकते हैं बाय आर सेंसेस। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आर सेंस। जैसे कि ये पेन है, इसका कुछ मास भी है और जब मैं इसे रखती हूँ तो ये कुछ स्पेस भी ले ले रहा है। मीन्स ये क्या है, ये मैटर है। अब मैटर को दो चीज़ों में क्लासीफाई कर दिया गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो मैटर है वो किस चीज़ों से बनता है, मतलब किस चीज़ों से मिलकर बनता है। तो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। कोई भी चीज़ है किससे बनी होगी, एटम्स। जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो जाएंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। वो चीज़ डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वो सब डिफरेंट है, लेकिन हाँ जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ओनली। मैटर किस चीज़ों से बना होता है, एटम्स से। तो ये है एक परफेक्ट डेफिनेशन मैटर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।